इंडिया सच की आवाज, अब सच देखेगा इंडिया। ग्राम पंचायत बादगांव में हुआ शपथ ग्रहण, जिसमें सरपंच एवं पंचों ने उपस्थित रहकर किया शपथ ग्रहण। चांद तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बादगांव में सरपंच एवं पंचों के द्वारा लिया गया शपथ ग्रहण में शामिल होकर सभी ग्रामवासी उपस्थित रहे और संवैधानिक तौर पर शपथ ग्रहण हुई। नवीन सरपंच संत कुमार शाह एवं उप सरपंच राजेश रघुवंशी एवं सभी पंच व ग्राम के गणमान्य व्यक्ति ग्राम सचिव उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत सचिव परसराम चोरिया के द्वारा शपथवाह प्रभाव पूर्व सरपंच सरिता उइके के द्वारा नवीन सरपंच संत कुमार शाह को सभी के समक्ष प्रभार दिया गया और शपथ ग्रहण समारोह प्रक्रिया सम्पन्न कराई गई। छिंदवाड़ा से बोल इंडिया न्यूज के लिए कुंज बिहारी शर्मा की रिपोर्ट। आपका नाम संत कुमार साहू, आप ग्राम पंचायत बादगांव में किस पद के लिए नियुक्त हुए हैं? सरपंच पद के लिए। सरपंच पद के लिए आप आगामी भविष्य में जो ग्राम पंचायत बादगांव और चंदनगांव के ग्राम है, इन लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे? मैं जैसे ग्राम बादगांव और चंदनगांव, ये दोनों गाँव मेरी पंचायत क्षेत्र के अंदर है और मैं आगामी जो भी कार्य आएंगे ग्राम बादगांव में और चंदन गांव में, तो मैं इनको सुचारू रूप से काम पूरे विधिवत कराना चाहूँगा और सभी काम के लिए मैं सभी का सहयोग भी लूँगा कि यार भैया ये काम आया है, सबकी सहमति से सभी काम मैं दोनों गांव में कराने के लिए सभी लोग की राय लेकर ही पूरे काम करूँगा जी। तो आपकी जो जनता है, अभी जो नियुक्त करके आपको बैठा ले हैं सरपंच पद के लिए, उनके विषय में आप क्या कहना चाहें? मैं बादगांव और चंदनगांव की जनता का दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और मुझे एक छोटे से आदमी को दोनों गांव की जनता ने अपनी मतलब मत देकर मुझे एक अध्यक्ष सरपंच पद के लिए चुना। उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और उनके जो भी काम आएंगे मैं तहे दिल से उनके साथ में रहूँगा और पूरे काम उनके साथ। पंचायत में आप किस पद पर नियुक्त हैं? ग्राम पंचायत बादगांव में पंचायत सचिव के पद पर नियुक्त हूँ जी। आज जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ है, इसके प्रति आप क्या कहना चाहेंगे? आज जो पंचायत में नवनिर्वाचित पंच सरपंच पंचायत राज अधिनियम 1993 के तहत जो शपथ ग्रहण कार्यक्रम करवाया गया है, जिसमें सभी पंच एवं सरपंच को निस्वार्थ भावना से ग्राम पंचायत की समस्त जनता के सामने कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया है।